Recording is on. जल्दी आ जाओ बाबा सभी के सभी देख रहा होगा सभी को थोड़ा बहुत कुछ कल अपन टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे प्लांट रिप्रोडक्शन पादपों में जनन अगर आवाज वगैरह ढंग से नहीं आ रही है तो एक बार मैसेज करके व्हाट्सएप मैसेज करके बताएं देख रहा होगा आराम से वैसे सब कुछ सही है भी ऐसा कुछ है नहीं अभी तक चार लोग आए बाकी का चलो कविता अपना प्लांट रिप्रोडक्शन और उसके अंदर हम बात कर रहे थे उनके से ये वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं अपन उनके से जो अपनी कल बात हुई थी उसकी बात कर लेते हैं एक बार उनके से जो है उसकी ये वाला जो भाग होती है उसको क्या कहते हैं अपन परागकोष और परागकोष जो है उसका अपन अनुप्रस्थ काट काट करके देखा था तो टोटल मिलाकर के अपने को चार लेयर वाली एक संरचना दिखी थी इसका नाम कुछ इस तरह से है इस तरह से आपको संरचना दिखाई थी इस वजह से अनुप्रस्थ काट काटा गया था तब इसको अपन क्या कह रहे थे लघु बीजाणु लघु बीजाणु धानी कहते हैं अपन इसको और लघु बीजाणु धानी की अगर बात करें तो इसका एक जो भाग था उसके अंदर टोटल चार परतें हुआ करती थी सबसे बाहर वाली परत जो है उसका नाम अपन ने दिया था एपिडर्मिस फिर उसके बाद में सेकंड पार्ट जो है उसका अपन ने दिया था एंडोथीसियम फिर उसके बाद में दिया था अपने मध्य परत और फिर उसके बाद में जो लास्ट परत थी उसका नाम दिया था अपने एपिडर्म ये अपने अभी तक पढ़ा था फिर उसके बाद में अपने देख रहे थे कि ये वाला जो भाग जो है उसका अपने नाम दिया था लघु बीजाणु जल कोशिका क्या नाम दिया था लघु बीजाणु जल कोशिका कल का ये वाला टॉपिक अपना हुआ था अब इससे थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं बात करते हैं अपन इसके लघु बीजाणुजन जो ऊतक जो है उसके अंदर किसका निर्माण हो रहा है पराग कण का निर्माण होगा और पराग कण इस पिक्चर कुछ इस तरह से है तो देखेंगे अभी अपन कल अपन यहां से किया था आज अपन स्टार्ट करते हैं पराग कण की संरचना या लघु बीजाणु की लघु बीजाणु की संरचना ये अपना टॉपिक है अपन बात कर रहे हैं पराग कण जो है वो आया कहां से लघु बीजाणु जो है वो आया कहां से कौन है क्या इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं अपन ये अपन पराग कोष पढ़ा था या इस तरह को अनुप्रस्थ काट अपन ने काटा था और अपने को संरचना जो दिखी थी वो कुछ इस तरह की थी और ये वाली जो संरचना है उसके अंदर की बात करें ये वाला जो भाग अपन ने कहा है पर लघु बीजाणु जन ऊतक जो है उसकी बात करें तो ये वाला जो ऊतक है इसमें लगातार विभाजन से एक गोलाकार संरचना का निर्माण होता है जिसे अपन क्या कहते हैं परागकण कहते हैं अब बात करते हैं आगे अभी तक बोर्ड का केवल अपने एक क्वेश्चन बना है लघु बीजाणु धानी की संरचना का सचित्र वर्णन जो अपन कर चुके कल आज अपन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
किस तरह से लघु बीजाणु जो है या फिर परागकण जो है वो किस प्रकार की संरचना में होता है उसका वर्णन क्या है उसके बारे में बताना होगा आपको। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, या तो कह सकता है कि लघु बीजाणु धानी जो होती है, लघु बीजाणु जो होता है उसकी संरचना का नामांकन चित्र बनाइए, या फिर कह सकता है परागकण जो है उसकी संरचना का नामांकन चित्र बनाइए। तो ये दो मेजर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो दोनों एक ही चीज है। परागकण की संरचना के बारे में पूछे तो भी यही बात करनी है, और लघु बीजाणु की अगर बात करें तो भी अपने को वही बात करनी है। चलो बात करते हैं अपन थोड़ा सा, इस प्रकार से गोलाकार संरचना अपने को प्राप्त होती है जिसको अपन परागकण कहते हैं। ये वाली संरचना जो होती है उसको क्या कहते हैं अपन, परागकण। और परागकण जो होता है उसके अंदर दो भाग होते हैं, एक इधर वाला और एक ये वाला। अब देखो इसका नामकरण संस्कार करते हैं। चलो बात करते हैं सबसे बाहर वाली जो परत होती है उसको क्या कहते हैं अपन, बाह्य चोल। क्या कहते हैं? बाह्य चोल। बाहर जो इसके परत होती है उसको क्या कहते हैं अपन, बाह्य चोल। फिर उसके बाद में सेकंड जो लेयर होती है अंदर वाली इसको क्या कहते हैं अपन, अंतः चोल। क्या कहते हैं इसको, अंतः चोल। और दो अनियमित आकार की कोशिकाओं बीच में गोले नुमा संरचना पाई जा रही है, इनको क्या कहते हैं अपन, केंद्रक। क्या कहते हैं इनको, केंद्रक। इनके अलावा जो भाग बच गया इसके अंदर पूरा का पूरा ये जो बचा हुआ भाग है उसको क्या कहते हैं, इसका कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म कहते हैं इसको। अब देखो कई कई जगहों पर जैसे ये वाला पार्ट है, इसके बाद में ये वाला पार्ट है, और इसके बाद भी ये वाला पार्ट है। जो अपन तीन चार पार्ट देख रहे हैं यहाँ से, ये पार्ट्स होते हैं वहां पर दोनों परत, बाह्य परत और अंदर परत आपस में चिपकी हुई नजर आ रही है आप सभी को। बाह्य परत और आंतरिक परत जो होती है चिपकी हुई नजर आ रही है। ये वाले जो भाग होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, जननी छिद्र या जनन छिद्र भी इन्हीं को कहते हैं। क्या कहते हैं, जननी छिद्र या जनन छिद्र इसी को कहते हैं। समझ में आई बात? तो परागकण की जो होती है संरचना वो कुछ इस तरह से होती है, डायग्राम ये है इसका। क्वेश्चन आपने यही है एग्जाम में बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, परागकण जो उसकी संरचना का नामांकन चित्र बनाइए। तो केवल डायग्राम बनाना है तो इतना सब कुछ इसके अंदर लिखना पड़ेगा। समझने की कोशिश करें, आपने ये गोलाकार संरचना है उसके अंदर दो परत पाई जा रही है, बाहर वाली जो परत होती है उसको क्या कहा है अपन ने, बाह्य चोल, और अंदर वाली जो परत है उसका नाम अपन ने क्या दिया है, अंतः चोल। फिर उसके बाद में अगर बात करें तो अपने को दो गोलाकार संरचना इसके अंदर दिख रही है उनको क्या कहते हैं अपन, केंद्रक कहते हैं। फिर उसके बाद में देखें कि गोलाकार संरचनाओं का जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं अपन, कोशिका द्रव कहते हैं। जहां पर बाह्य परत और आंतरिक परत आपस में मिली हुई होती है उसको क्या कहते हैं अपन, जनन छिद्र या जननिक छिद्र कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें कौन सी भाग किसका बना होता है, बाह्य चोल जो होता है उसकी बात कर लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं साइड में थोड़ा सा। पहले लिखते हैं अपन बाह्य चोल के बारे में, पहले लिख लेते हैं अपन बाह्य चोल के बारे में, मतलब बाह्य जो आवरण होता है उसके बारे में बात करते हैं अपन। बाह्य आवरण जो होता है वो किसका बना होता है, ये होता है स्पोरोकोलेमिन। किसका बना होता है ये, स्पोरोकोलेमिन। और ये जो अलग अलग पादप होते हैं उनमें बाह्य परत की संरचना जो होती है वो अलग अलग होती है। समझ रहे बात को, कुछ पादपों में इसकी संरचना इस तरह से होती है, कुछ में प्लेन होती है, बिल्कुल सीधी संरचना होती है, इसमें हाइजिंग नहीं पाई जाती है। तो अलग अलग पादपों में जो स्पोर है उसकी संरचना अलग अलग होती है। फिर उसके बाद में बात कर लेते हैं स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो क्या होता है। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पादप जगत का सबसे, ये जो प्लांट किंगडम जो है उसका सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है,
सबसे कठोरतम भाग जो होता है वो कौन सा होता है, तो सबसे कठोरतम भाग जो होता है वो क्या है, स्पोरोपोलिनिन। और स्पोरोपोलिनिन की वजह से ही जो परागकण जो होता है वो क्या करता है, कभी भी किसी अम्ल या सार के सामने क्या नहीं कर पाता, किसी भी तरह से रेजिस्टेंट है। मतलब अभी तक ऐसा कोई अम्ल या सार अपने सामने आया नहीं है जो इस स्पोरोपोलिनिन को डीनेचर कर सके, तोड़ सके। समझ में आ रही बात है? तो ये वाला जो है किसका बना होता है, बाह्य जोन, स्पोरोपोलिनिन। और स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, सबसे ठोस पदार्थ होता है जो किसी भी अम्ल और सार के द्वारा टूटता नहीं है। समझ में आ रही बात? फिर एक बार सुन ले इसको अच्छे से कि ये वाला जो भाग है उसके अंदर बाह्य जोन जो होता है, बाह्य जोन किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनिन। और स्पोरोपोलिनिन क्या है, पादप जगत का सबसे कठोरतम भाग है जो किसी भी अम्ल और सार के द्वारा डीनेचर्ड या टूटता नहीं है। समझ में आ रही बात? फिर उसके बाद में बात करते हैं अंतःचोर की। ये वाला जो है, ये वाला भाग, इसको कहते हैं अपन अंतःचोर, अंतःचोर। इस अंतःचोर की बात करें अपन, तो अंतःचोर जो होता है वो किसका बना होता है, पेक्टो, या हिंदी में लिखने की कोशिश करें अपन, पेक्टो सेलुलोज। किसका बना होता है, पेक्टो सेलुलोज का बना होता है। बाह्य जोन किसका बना हुआ था, स्पोरोपोलिनिन का। अंतःजोन किसका बना हुआ है, पेक्टो सेलुलोज का। ध्यान रखना यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो नीट में भी ऐसे सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि परागकण जो होता है उसकी बाह्य भित्ति जो होती है, बाह्य जोन जो होता है वो किसका बना होता है, और पूछता है इसके बारे में कि परागकण जो होती है उसकी आंतरिक भित्ति किसकी बनी होती है, तो आंतरिक भित्ति किसकी बनी होती है, पेक्टोसेलुलोज की। और बाह्य परत जो होता है वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन। समझ में आ रही बात? स्पोरोपोलिनिन की खास बात और ये है कि कभी भी किसी अम्ल या सार के द्वारा टूटता नहीं है। किसी भी अम्ल या सार में जो होते हैं इसको रखते हैं तो सुरक्षित रहता, गलता नहीं है। फिर उसके बाद बात करें अपन पेक्टोसेलुलोज जो होता है किसका भाग है, पेक्टिन प्लस सेलुलोज। अंतःचोर जो होता है वो पेक्टोसेलुलोज को अपन ने क्या कहा है, पेक्टिन प्लस सेलुलोज को मिला करके क्या हो गया, पेक्टोसेलुलोज। इसके द्वारा बनता है। डायग्राम बना ले बार जल्दी से, डायग्राम बनाए फिर इसके बाद में आगे वो डिस्कस करना है। क्यों देखो, जहां पर बाह्य जोन और अंतःजोन जो होते हैं आपस में मिलते हैं उस स्थान पर क्या होता है, जननी छिद्र होता है। अभी जननी छिद्र क्या काम करता है वो अपन एक दो क्लास के बाद बात करेंगे, अभी इसका कोई सिग्निफिकेंस या इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बात अपन करते हैं कि अभी जो अपन परागकण जो देख रहे हैं वो कितनी कोशिकीय अवस्था में है, टू सेल स्टेज में है, दो कोशिकीय अवस्था के अंदर है। कुल मिलाकर इसके अंदर दो केंद्र उपस्थित है। लेकिन हमेशा क्या ऐसा ही होता है कि दो कोशिकीय अवस्था में होता है, नहीं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जैसे 60% प्लांट्स जो होते हैं, कितने 60% पादप जो होते हैं उनके अंदर ये द्वि कोशिकीय है। तो दो केंद्र की अवस्था में उपस्थित होता है, जबकि बाकी 40% जो पादप है अपने सामने वो क्या होते हैं, तीन केंद्र की अवस्था में होते हैं। समझ में आ रही बात? क्या परागकण जो होता है हमेशा द्विकोशिकीय द्विकेंद्र की अवस्था में ही होता है, बिल्कुल नहीं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जैसे 60% पादप, अधिकांश पादप जो होते हैं उनमें ये कैसा होता है, द्विकोशिकीय अवस्था में होता है। लेकिन इनके 40% पादप जो होते हैं बाकी बचे हुए उनमें तीन केंद्र की अवस्था में होता है। समझ आ रही बात? मिटा रहा हूं इसको। बात करते हैं हम कौन सी कोशिका है, दो अलग अलग कोशिका इनका नामकरण भी कर देते हैं, कौन सी कोशिका क्या काम करती है। एक ये वाली कोशिका मेरे सामने और एक ये वाली कोशिका है।
समझ रहे हो बात को? ये वाली जो बड़ी कोशिका है उसको कहते हैं अपन काई कोशिका। क्या कहते हैं अपन? काई कोशिका। बड़ी वाली जो कोशिका होती है उसको क्या कहते हैं अपन? काय कोशिका। और जो छोटी वाली कोशिका होती है उसको क्या कहते हैं अपन? जननी। जननी कोशिका। समझ रहे बात को? ये वाली जो कोशिका होती है बड़ी वाली इसको क्या कहते हैं अपन? काय कोशिका। और छोटी वाली कोशिका उसको क्या कहते हैं अपन? जननी कोशिका। समझ में आ रही बात? जननी कोशिका के अंदर आप देखो जननी कोशिका जो है इसके अंदर क्या उपस्थित होता है? नर युग्मक। क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं। समझ में आ रही बात? ये जो अपनी जननी कोशिका है उसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं? नर युग्मक होता है। समझ में आ रही बात? अब वे पादप जिनमें दो केंद्र की अवस्था होती है उनके अंदर क्या होता है? एक काय केंद्र होता है और एक क्या होता है? जननी के केंद्र या नर युग्मक उपस्थित होता है। ये किसकी बात चल रही है? ये अधिकांश 60% जो प्लांट्स होते हैं उनकी बात चल रही है। 60% पादप जो होते हैं जिनमें द्वि केंद्र की अवस्था होती है उनमें एक काय केंद्र काय कोशिका होती है और दूसरी कैसी होती है? जननी कोशिका। और जननी कोशिका में जो पाया जाने वाला एक केंद्रक है उसको अपन क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं। जैसे बाकी बचे अपने 40% पादप जो होते हैं उनमें क्या होता है? ये तीन केंद्र की अवस्था के अंदर होता है। अब तीन केंद्र की अवस्था जिनमें होगी उनमें दो नर युग्मक होंगे। समझ रहे हो बात को? जिन पादपों में तीन केंद्र के या तीन केंद्र की अवस्था होगी उनमें दो नर केंद्र को एक कैसा होगा? कायिक केंद्र होगा। समझ रहे हो बात को? अब देखो फिर से दोबारा समझे इस टॉपिक को अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं। अपना जो टॉपिक है वो है पादपों में जनन और पादपों में जनन का जो टॉपिक है अपना वो परागकण की संरचना। समझ में आ गई बात तुम्हारे को? परागकण की संरचना की बात करें तो परागकण जो होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का नर युग्मक होता है। नर युग्मक की बात करें तो इसमें क्या होती है? दो परत पाई जाती है। एक बाह्य परत होती है इसको क्या कहते हैं? बाह्य चोर। एक अंदर वाली परत होती है इसको क्या कहते हैं? अंतः चोर। बाह्य चोर जो होता है वो किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। इसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। और इसकी आंतरिक परत जो होती है वो किसकी बनी होती है? इसकी आंतरिक परत जो होती है वो किसकी बनी होती है? अंतः चोर की बनी होती है। अंतः चोर इसको कहते हैं। और एक इसकी बनी होती है पेक्टो सेल्युलोस। क्या कहते हैं इसको? पेक्टो सेल्युलोस कहते हैं। समझ आ रही बात? फिर उसके बाद में जो है पेक्टो सेल्युलोस के बाद में बात करें अपन, इसके अंदर दो केंद्र पाए जाते हैं, दो कोशिकाएं पाई जाती हैं ज्यादातर पादपों में। लेकिन कुछ एक पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर तीन केंद्र पाए जाते हैं। जिनमें दो केंद्र पाए जाते हैं उनमें एक नर युग्मक और एक क्या होता है? काय केंद्र उपस्थित होता है। लेकिन जो पादप जिनमें तीन केंद्र की अवस्था होती है उनके अंदर क्या होता है? दो नर युग्मक होते हैं और एक क्या होता है? तो परागकण जो होते हैं उनका कोशिका द्रव्य जो है वो क्या होता है? अत्यधिक सघन होता है और पोषण युक्त होता है। समझ आ रही बात? पोषक ज्यादा होंगे तभी तो इन दोनों केंद्रकों को जो है वृद्धि करने के लिए आराम से पोषण दे पाएगा। समझ रहे हो बात को? जब इनमें पोषण भरपूर मात्रा में होते हैं तो क्या कर सकते हैं? इनका अपने खुद के पोषण के लिए भी तो उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए पराग कणों से जो है वो पराग टेबलेट्स बनती है। क्या बनती है? पराग कणों से पराग टेबलेट बनती है, पराग की गोलियां बनती है जो अपनी शारीरिक दक्षता बढ़ाने में काम आती है। जैसे मान लेते हैं कि घोड़े है या फिर कोई धावक है या फिर कोई रेसलर है या फिर कोई मान लो कुश्ती का पहलवान है, वो अगर मान लो रोज अपनी कसरत कर रहा है, योग कर रहा है, व्यायाम कर रहा है, तो उस दौरान उसको थकान जब होगी तो किसका यूज करते हैं वो? इस परागकण का जीवन में उसका उपयोग करते हैं। क्योंकि परागकण का जीवन में है कम मात्रा में लेकिन बहुत अत्यधिक पोषक है ये। समझ आ रही बात? अत्यधिक पोषक है इसीलिए क्या करता है इसका उपयोग? रेसलर वगैरह जो होते हैं वो किसमें करते हैं?
अपनी शारीरिक दक्षता बढ़ाने में करते हैं। समझ आ रही बात? तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर क्या होता है, इसकी बाह्य परत जो होता है वो कठोर होती है, किसी अम्ल और सार के द्वारा नहीं टूटती है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए क्या करती है, ये अपने में एलर्जी उत्पन्न करती है। समझ रहे बात को, अपने में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। तो कुछ कुछ परागण ऐसे होते हैं जो अपने के अंदर जो है वो एलर्जी उत्पन्न करते हैं, जैसे कांग्रेस घास, पादप का नाम है कांग्रेस घास। क्या होता है, कांग्रेस घास, पादप का नाम है कांग्रेस घास, या इसको पार्थ नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थ नियम। इस पादप को अपन क्या कहते हैं, कांग्रेस घास या पार्थ नियम कहते हैं। तो पार्थ नियम जो होता है वो अत्यधिक अपने जो शरीर है उसके अंदर अत्यधिक एनर्जी उत्पन्न करता है। एनर्जी किसकी वजह से उत्पन्न करता है, जो इसकी बाह्य परत होती है इसकी वजह से अपने एनर्जी उत्पन्न करता है। समझ में आ रही बात? बना हुआ डायग्राम अच्छे से जैसा लिखा हुआ है वैसे के वैसे उतार दें और बाकी एक्सप्लेन जो है वो देख लें। जल्दी करें आप थोड़ा सा। लिख लिया होगा सभी ने अभी तक। ये अपना सेकंड जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है और टॉपिक भी जो इसका सेकंड अपना कंप्लीट होता है। तीसरे टॉपिक की बात करते हैं अपन कि किस तरह से जो है वो परागकण निर्मित होता है। तो इसको क्या कहते हैं अपन, लघु बीजाणु जनन, माइक्रो स्पोर जेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, लघु बीजाणु जनन। किसको कहते हैं, परागकण निर्माण की क्रिया को परागकण निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। समझ में आ रही बात? किसी छोटी बड़ी बात आती है एक नंबर में आदर्श वर्ग में तो क्या होता है, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं। तो लघु परागकण के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं अपन, लघु बीजाणु जनन। ये डेफिनेशन जरूर याद रखें, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, परागकण के निर्माण की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।
ये वाला जो टॉपिक है अपना नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए इतना ही।